साथ निभाना साथिया। अरे किंजल देख रहा, तुम यहाँ? हमको तो लगा तुम हॉस्पिटल में भर्ती होगी। हॉस्पिटल पर क्यों? तुम्हारी फई ने बताया था तुम्हें डेंगू हुआ है। क्या डेंगू? किंजल बेटा, तुम्हारी फई ना बहुत अच्छी है, उन्होंने हम सबको बुला के बताया कि चौल में डेंगू फैल रहा है, इसीलिए हम दूसरी जगह देख ले। साची बात छे, आजकल कौन दूसरों के बारे में इतना सोचता है। वैसे भी हमने तो उनकी सलाह मानकर दूसरे घर ढूंढने भी शुरू कर दिए। वही के दिमाग में चल क्या रहा है, पता तो लगाना ही पड़ेगा। उर्मिला बहन, आपके कहने पर हम दूसरे घर देख तो रहे हैं, पर उन लोगों को डिपॉजिट चाहिए। हाँ तो दे दीजिए। पर इतना सारा पैसा हम लाएं कहाँ से? ये चंद्रकला बेन, आप इतने सालों से हमारी चाल में रह रहे हो, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है कि आप लोगों की मदद करूं। हाँ, मैं आप लोगों की मदद करूंगी। अरे इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? हाँ, आप सब मेरे अपने ही तो हो। चलो मैं आप सब लोगों को 10,000 रुपए दूंगी डिपॉजिट के। साची में उर्मिला बेन? हाँ सच में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन सबको इतना बड़ा अमाउंट देंगे पर क्यों? कुछ तो बात है, वरना फई किसी को भी अपने जेब से इतना बड़ा अमाउंट तो बिल्कुल नहीं देंगे। मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। ये क्या है फई की साड़ी? कोई मेडिसिन का टैग लगता है। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे अब पता लगाना होगा। अक्सर बच्चे बिना कुछ सोचे समझे ज्यादा खा लेते हैं, जिससे उन्हें बेचैनी होने लगती है। ऐसे में मेडिसिन लेने से उन्हें कुछ वॉमिट्स होती हैं एंड दे फील बेटर। अब मुझे समझ में, फई ने क्या सोच के ये सब किया होगा। जी फई, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि आप इतनी हद तक गिर सकती, लेकिन अब इस बात की तो सजा आपको मिल के ही रहेगी। मैंने बोला ना कि मैं चाल आपको ही दूंगी, पर उससे पहले मुझे थोड़ा एडवांस चाहिए। मैंने भाड़ूतियों को वादा किया है कि मैं उन्हें पागड़ी के लिए 10,000 रुपए एडवांस दूंगी। हाँ मतलब, अरे पर रीडेवलपमेंट के लिए चाल तो मैं आप ही को दे रही हूँ ना, फिर ये फिजूल का सवाल क्यों? इसका मतलब है फई, इस चौल को रीडेवलपमेंट में किसी बिल्डर को देने जा रही, पर इस बारे में इन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। ये औरत अपनी कलाकारी से कभी बाज नहीं है। मुझे कुछ करना होगा इन्हें रोकने के लिए। जी वो ठीक है धवल जी, आप मेरा हाथ पकड़ के मुझे यहाँ खींच लाए। आपको पता है कि फई के दिमाग में क्या चल रहा है? मैं जो इतनी वॉमिटिंग कर रही थी वो सब फई के वजह से। क्या? एक्चुअली उन्होंने मेरे नाश्ते में ये दवाई मिला दी थी। किंजल जी, मैं जानता हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं, और मैं ये भी जानता हूँ कि यहाँ पर क्या चल रहा है। मैंने फई को फोन पे बात करते हुए सुना जी। फिर तो हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, क्योंकि उन्होंने इस बार मेरा इस्तेमाल किया। ये जो भी मुझे वॉमिटिंग हुई उससे उन्होंने चौल वालों को ये भरोसा दिलाया कि मुझे डेंगू हो गया है, वो डेंगू फैल सकता है। इसलिए तो बेचारे चौल वाले रेडी हो गए चौल खाली करने के लिए। ये फई तो ना। किंजल जी बात सुनिए, कहने सुनने से बात खराब हो सकती है। इस वक्त हमें बहुत होशियारी से और बहुत चलाकी से काम लेना होगा। आप ठीक कह रहे हैं धवल जी। हाँ मैंने सोता ही रहू चे, अभी खाना खाया और अभी उल्टियाँ। कल आपने मुझे बहुत परेशान किया था ना फई, तो फिर आज आप भुगती हैं।
किंजल, ये सब तूने किया है ना? क्या हुआ फई? ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर। बता, खाने में क्या मिला तूने? सॉरी फई, जहां तक मुझे याद है मैंने तो आपसे पहले ही कह दिया था कि मैं घर का कोई काम नहीं करूंगी, तो खाने में कुछ मिलाने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो मुझे इतनी सारी उल्टियां कैसे हो रही है? सवाल तो आप अपने आप से कीजिए, क्योंकि खाना तो आपने बनाया है। किंजल, जैसा करो वैसा भरो। हे भगवान, મારી ચાલ તો કેવી કચમની થઈ જશે, ચાલ નહીં મહેલ, ના નામ રાખુંગી રાશી વિલા, નહીં નહીં રાશી ઉર્મી ટાવર, એકદમ સરસ છે, ઓર ઉસકે ઉપર કે માલે પે મેં રહુંગી, શું બોલે છે ને? Oh God, मतलब बात यहां तक आ पहुंची है। फई, अब तू यहां क्या कर रही है? फई, मैं नीचे अपनी सहेली से मिलने जा रही। आप इतना गुस्सा क्यों हो रही है? क्या हुआ? कुछ नहीं, जाए यहां से। फई, आपके हाथ में ये पेपर्स कैसे? तुझे क्या? अरे ऊंट सी क्या खड़ी है, जाना यहाँ से। वही मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप मुझसे क्या छुपा रही, लेकिन अब ये बात ज्यादा देर तक किसी से नहीं छुपने वाली। Just wait and watch. साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।